जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहती है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारन के नाम से जाना जाए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी का साथ मिलकर चुनाव लड़ना इशारा करता है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र अनुसार अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस धारा 370 और 351 को फिर से कश्मीर में लाना चाहती है? सीएम मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़कर कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। जम्मू कश्मीर चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी का आपस में मिलकर के चुनाव लड़ना, ये अपने आप में इस बात के लिए इंगित करता है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र अनुसार अलग झंडे की वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस फिर धारा 370 और 35A को वापस कश्मीर के अंदर लाना चाहती है? केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़ करके कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।